सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी एक्सएल मैक्स में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया है C.12। तो ये अपडेट कैसा है, आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये सब सवालों के जवाब आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। और यहाँ पर सैनोक बूटकैम्प टेस्ट भी किया है मैंने FPS मीटर के साथ, तो उसके लिए जरूर रुकना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे न्यू अपडेट रिसीव हो चुका है जिसका साइज है 2.4 GB के समथिंग है। और यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी पेज मिलता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव की गई है और भी कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ये अपडेट मेरे को रिसीव हुआ था जुलाई में 1 से 2 तारीख के समथिंग रिसीव हो गया था, और जब से अभी तक मैं इसको टेस्ट कर रहा था अच्छे से। आप जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहला मैसेज ये दिखेगा, यहाँ पे जो होम स्क्रीन है वो अपग्रेड की गई है। जैसे कि आप कोई भी न्यू ऐप डाउनलोड करते थे प्ले स्टोर से तो वो यहाँ पे साइड में चले जाता था होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे बहुत सारे ऐप इकट्ठे हो जाते थे जो भी आप न्यू डाउनलोड करते थे। पर अब से ये होगा कि आप जैसे न्यू ऐप डाउनलोड करोगे तो वो ऐप ड्रॉवर में जाएगा, यहाँ पे होम स्क्रीन में साइड में इकट्ठे नहीं होंगे वो सभी ऐप, जिससे कि ना और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी ऐप। और इस चीज को आप है ना ऑन ऑफ भी कर सकते हो सेटिंग में जाके, तो इसको मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पे आपको एक मैसेज और मिलेगा पर्सनलाइज सर्च का, और पर्सनलाइज सर्च में बस इतना बताया गया कि जैसे आप यहाँ पे ऊपर जाके सर्च करते थे तो आपके फोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल रहते थे सिर्फ वो ही दिखाता था। पर पर्सनलाइज सर्च के बाद ऐसा हो गया कि जो एप्स आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है उनको भी ये रिकमेंड करता है कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर मैं सी से लिखूंगा या ए से लिखूंगा तो यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले मेरे फोन में जितने ऐप है वो तो दिखेंगे दिखेंगे, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐप भी दिख रहे हैं जिनको मैं मार्क कर देता हूँ। तो इसी के चलते मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हुई, या आप बोल सकते हो कि मेरे को ये फीचर अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे पहले वाले अपडेट में ऐसा था कि जैसे मैं होम स्क्रीन से ऐप ड्रॉवर खोलता था तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं स्क्रॉल कर लेता था फास्ट, और जो भी ऐप मेरे को ओपन करना रहता था मैं वो ओपन कर लेता था। पर अभी न्यू अपडेट के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे होम स्क्रीन से आप जैसे ऐप ड्रॉवर ऑन खोलोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कीवर्ड ऑन हो जाता है, उसके बाद आप सर्च कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को पसंद नहीं आ रहा, बार बार मेरे को इरिटेट करता है। पर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे जो तीनों फीचर्स है आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाना, ऐप ड्रॉवर सेटिंग में जाना, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन है पर्सनलाइज्ड सर्च, अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो जो नॉर्मल आप जैसे सर्च करते थे जो ऐप आपके फोन में इंस्टॉल रहते थे सिर्फ वही दिखाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिकमेंड नहीं करेगा खुद से। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन को ऑफ करने से ये होगा कि जैसे आप ऐप ड्रॉवर ओपन करते हो और ऑटोमेटिक कीबोर्ड ऑन हो रहा था ना बार बार, वो उससे नहीं होगा। और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको ऑफ करने से ये होगा कि जो न्यू ऐप आप डाउनलोड करोगे वो होम स्क्रीन के साथ साथ ऐप ड्रॉवर में भी एड होते जाएंगे। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे ना परफॉर्मेंस डिक्रीज तो नहीं किया गया है, और यहाँ पे बोल सकते हो कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी थी वो C.11 में उतनी नहीं थी, तो यहाँ पे C.12 में थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड की जा रही है। BGMI में 90 FPS का ऑप्शन तो अभी भी मिलता है, पर जो आउटपुट है वही 70 FPS का मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप व्हाट्सअप ट्रिक लगाओगे तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए 90 FPS का आउटपुट दिखाता है पर वापस वो 70 FPS ही देने लग जाता है। बाकी बात रही 60 FPS की, तो यहाँ पे मैंने सैनोक बूटकैम्प टेस्ट करा था, और यहाँ पे जब अपन लैंडिंग करते हैं तो उस दौरान यहाँ पे ना 52-53 तक FPS एक बार ड्रॉप हो जाते हैं, और कुछ सेकंड के लिए रहते हो तुरंत ये 58-57 तक है ना कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे ना अभी भी बहुत अच्छे से FPS मेंटेन कर रहा है, 57-58 तो आपको है ना हर टाइम दे रहा है। तो यहाँ पे जो 60 FPS है वो अभी भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे बात की जाए हीटिंग इशू की, तो यहाँ पे हीटिंग इशू अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, हीट तो अभी भी होता है। जैसे यहाँ पे आपने 2 TDM खेल ली है, 2-3 TDM खेल लिया तब भी थोड़ा सा हीट हो जाएगा, और अगर आपने एक क्लासिक मैच पूरा कंप्लीट कर लिया उसके बाद बहुत अच्छा खासा एकदम गर्म हो जाता है। आप स्क्रीन पे सब बिना फिंगर स्लिप्स के हाथ लगा के देखना, एकदम आपको चटके मारेगी स्क्रीन, इतना गर्म हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक्सटर्नली कोई सा फैन लगा सकते हो, या तो फोन का जो कवर है उसको निकाल के गेम खेलो, और अपने घर के फैन की स्पीड फुल कर दो तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हीट होता है। अपडेट C.9, 10, 11 में थर्मल थ्रॉटलिंग का जो इशू था वो फेस हो रहा था। यहाँ पे जैसे फोन है ना 45 डिग्री सेल्सियस या 44 के समथिंग जाता था तो यहाँ पे ना थर्मल थ्रॉटल हो जाता है, FPS एकदम पूरा ड्रॉप कर दे रहा था, यहाँ पे परफॉर्मेंस एकदम बेकार हो जाता था उसके बाद। पर C.12 मेरे को अभी तक ये इशू फेस नहीं हुआ। मैं यहाँ पे भाई करीबन 3 से 4 घंटे गेम खेल लेता हूँ, और यहाँ पे ना बहुत अच्छा खासा फोन गर्म हो जाता है, तब भी यहाँ पे मेरे को ना परफॉर्मेंस ड्रॉप होते हुए नहीं दिखती है, कंटिन्यू भाई वो 57-58 FPS तक मेंटेन करता है। और यहाँ पे अपन बात करें कि बैटरी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है ये अपडेट में, कि यहाँ पे कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरे को करीबन 2 से 3 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है फुल चार्ज पे। बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो सभी अपडेट्स में देखने को मिल रहा था, और अभी तक C.12 अपडेट आ गया पर अभी तक ये जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं किया गया। अभी भी बैटरी ड्रेन अच्छा खासा हो रहा है ना, जहाँ पे पहले मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम आराम से 4 से 5 घंटे का मिल
मिलता था, पर अभी मेरे को सिर्फ 3 घंटे मैक्सिमम मिलता है जब मैं गेम खेल रहा हूँ। बाकी अगर मैं नॉर्मल फोन को यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे करीबन है ना शाम तक जैसे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, तो यहाँ पे मेरी सिर्फ है ना 15-20% बैटरी बचती है, 100% चार्ज करके बैठता हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ एडिट करके अपलोड कर देता था तो यहाँ पे 50% बैटरी बचती थी, पर यहाँ पे अब है ना 50% भी नहीं बचती, पूरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बैटरी ड्रेन है वो तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो अगर आप रियलमी यू आई 3.0 यूज कर रहे हो या 3.0 पे शिफ्ट हो चुके हो तो आपको मेरे हिसाब से ये अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी अपडेट आए ना C1 से लेके C11 तक, उसमें सबसे स्टेबल अपडेट मेरे हिसाब से C.12 है, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो भी मतलब थोड़ी सी इंक्रीज की गई है और यहाँ पे कुछ भी डिक्रीज नहीं किया गया, नई चीजें थोड़ी एड हुई है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अपडेट है। बाकी अगर आप Realme UI 2.0 पे हो तो वहीं पे रहो, 3.0 पे आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2.0 पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, 3.0 पे अभी थोड़ा इशू चल रहा है। तो ये था मेरा एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको Realme X7 Max में कुछ भी इशू फेस हो रहे तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।